नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि पटेल, आप देख रहे हैं अंतरंग चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के फायदे और ये किस प्रकार से किया जाता है पूरा डेमो करके बताएंगे और कौन सी कुछ सावधानियां रखनी है सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अनुलोम विलोम यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम के मुख्य प्रकारों में से एक है। यह बहुत महत्वपूर्ण और फायदेमंद प्राणायाम है। अन्य प्राणायाम की तरह इसमें भी सांस ली और छोड़ी जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम तीन शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जिसमें अनुलोम का अर्थ होता है नाही नासिका और विलोम का मतलब होता है बाहि नासिका और प्राणायाम का मतलब होता है सांस लेना। तो इस आसन का मतलब होता है दाई और बाहि नासिका से सांस लेना और छोड़ना। वही नाड़ी शोधन प्राणायाम का नाम तीन शब्दों से मिलकर बना है। नाड़ी मतलब शरीर के ऊर्जा चैनल और शोधन मतलब शुद्ध करना और प्राणायाम मतलब सांस लेना। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करने से नाड़ियों को शुद्ध करने में मदद मिलती है और ये शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने में भी मदद करता है। तनाव, अस्वस्थ जीवन शैली, टॉक्सिन्स या अन्य किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण शरीर में नाड़ी यानी कि एनर्जी चैनल्स ब्लॉक हो सकते हैं, जिनके कारण आपको थकान, आलस, सुस्ती आदि महसूस होती है। इस प्राणायाम का अभ्यास बंद नाड़ियों को खोलने और दिमाग को शांत करने में मदद करता है। इस प्राणायाम का अभ्यास आप हर रोज सुबह योग करते वक्त शुरुआत में कर सकते हैं। सभी प्राणायाम का अभ्यास योग सेशन की शुरुआत में ही योगासन के अभ्यास से पहले किया जाता है। इसका अभ्यास हर रोज सुबह 15 मिनट करने से खून साफ होता है और खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदे के यानी कि बेनिफिट्स के बारे में। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से खून साफ होता है, शरीर में खून के प्रवाह को सुधारने में मदद करता है। यह श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होती है हमारी, उसको मजबूत करता है। शरीर में मौजूद शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करता है और दिमाग को शांत करने में मदद करता है। इसका नियमित अभ्यास खर्राटे लेने की समस्या भी राहत दिला सकता है। यह प्राणायाम शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, शारीरिक तापमान को सही बनाने में भी मदद करता है। इस प्रकार से उसके बहुत से फायदे हैं। इसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर की अगर किसी को समस्या है या फिर डायबिटीज में भी ये फायदा करता है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं इसको किस प्रकार से किया जाता है, मैं आपको डेमो करके बताता हूँ। अनुलोम विलोम का अभ्यास करने के लिए ध्यान की अवस्था में बैठ जाए। सबसे पहले पालथी मारकर जमीन पर बैठकर आंखें बंद होनी चाहिए, कमर और स्पाइन को सीधा रखे और हाथों को घुटनों पर रख दे, शरीर को रिलैक्स रखे और गहरी सांस लेते रहे। अब अपने बाएं हाथ की उंगली को ज्ञान मुद्रा में लाएं और दाएं हाथ की उंगली से नासिका ग्रह मुद्रा बनाएं। अब दाएं हाथ की अनामिका उंगली से बाएं नथुने को बंद करें और दाएं नथुने से सांस लें। अब दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नथुने को बंद करें और बाएं नथुने से सांस छोड़ें धीरे धीरे। अब दाएं नथुने को बंद रखते हुए ही बाएं नथुने से गहरी सांस लें। अब नासिका उंगली से बाएं नथुने को बंद करें और दाएं नथुने से सांस छोड़ें। इसी तरह 5 बार दोहराएं और फिर सामान्य पद्मासन में आ जाएं। कुछ देर ध्यान की अवस्था में रहकर फिर से इसका अभ्यास शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। इस प्रकार से आपको दिन में कभी भी आपको टाइम मिले, चाहे घर पर हो या फिर ऑफिस में हो, तो भी आप अपनी कुर्सी पर बैठकर ये आसन कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अब जानते हैं इसकी कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है। इस प्राणायाम का अभ्यास खाली पेट ही करना चाहिए, बहुत फायदा होता है। इस प्राणायाम को करते वक्त उतनी ही देर सांस रोके जितनी देर आप रोक सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की सांस से जुड़ी स्वास्थ्य समस्या हो, जैसे अस्थमा हो, तो इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए आपको। हार्ट प्रॉब्लम होने पर लोग या फिर दिल के रोगियों को इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। आपको अगर हार्ट स्ट्रोक आया हुआ है या फिर कोई हार्ट की मेडिसिन चालू है, तो भी इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको पसंद आती है या फिर कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके और हमारे चैनल के साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस न हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।